आइए एक दोरागनी, उससे पहले हमारे म्यूजिक बजाएंगे थोड़ा सा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज का जमाना बदल गया क्योंकि कलयुग है और अभी तो कुछ भी नहीं है। जितना कलयुग बढ़ता चला जाएगा उतना इंसान और जमाना भी बदलता चला जाएगा। आज से 20 साल पहले उठा के देखो क्या खाना पीना था, क्या पहनावा था, क्या बोली चाली थी और आज क्या खाना पीना है, कैसा रहना सहना है। पहले भाईचारा बहुत बड़ा होता था दादाजी, 10-10 आदमी बैठ के ताश खेला करते थे, मखौल करते थे, हंसी मजाक करते थे। लेकिन आज के समय में जब से ये फोन चला है ना, जब से भाईचारा ही खत्म हो गया। अगर 20 आदमी इकट्ठे बैठे रहेंगे ना तो दादाजी एक दूसरे से बात कोई नहीं करेगा, बस अपने फोन में लगे रहेंगे क्योंकि जमाना बदल गया। और क्या दुख दे जाता है इंसान को, सुनिए रागड़ी के माध्यम से। हे रे आसमान में यह चढ़ा हुआ से ये तो पारा दुनिया सारी का, ज्ञानी अर्थ लगावेगा कोई सुन के बात हमारी का, इसी रागणी पे खुश होकर के श्री चंद प्रधान जी वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं और आदरणीय हमारे अंकल जी वो भी 51 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। और क्या बताया उस्ताद कैसे वाला, अच्छा ये बताओ जो रागणी में गा रही हूं समझ में आ रही है?
कहते हैं, ओहो हमारे अनिल जी मोदी नगर से, जिनके साउंड सर्विस, जिनके माध्यम से साउंड सर्विस यहाँ पर दी जा रही है, थोड़ी देर ज्यादा सी हो रही है, इसको कम करो। और 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं हमारे यार अनिल प्रधान जी, एक बार जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि अगर कोई रागनी अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजा दिया करो, कोई डांस अच्छा लगे तो भी बजा दिया करो, क्योंकि बताया जाता है आप सभी की तालियां कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को गूंद और घी लगता है। जितनी जोर से ताली बजाओगे उतना हंगा लगा के कलाकार सुनाएगा। और बताया कि जब बुढ़ापा आता है ना तो बुढ़ापे में कौन सी बीमारी दुख दे जाती है। कोई कोई मंदिर गांव के बीच में होता है और कोई कोई मंदिर गांव से बाहर होता है। जो गांव के बीच का मंदिर होता है ना, उस गांव के बीच के मंदिर पे यह कहा है कि जवान पुजारी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जवान पुजारी घंटी कम बजाएगा मंदिर में, भगवान की पूजा कम करेगा, बहन बेटियों को ज्यादा तकेगा। इसीलिए बताया है कि गांव के बीच के मंदिर पे जवान पुजारी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुख दे जाएगा, कोई ना कोई उपद्रव जरूर कर देगा। गांव के बीच के मंदिर पे तो बुजुर्ग पुजारी होना चाहिए, जो ऐसे चलता हो लाठी लेके, जब देख देख सके दादाजी, है ना। क्या बताया, और अगली बात मैं कैसे बता भैया, अच्छा एक बार वो हाथ खड़े करो जो यहां पे रंडवा है। नहीं नौजवान रंडवे थोड़ी है, तुम तो कवा रहे हो। रंडवा होता है 40 साल से ऊपर, जिसकी कोई आस ही नहीं रहती कि भैया ब्याह होगा या ना होगा। है कोई रंडवा? यू रंडवा है तभी तो कहूं इसमें इतना जोश कहां से है। मास्टर जी जब मैं वार्ता करती हूं थोड़ा मीठा मीठा। है कोई रंडवा? दादा आप रंडवे हो? दादा धनु गहरा 7 बालक है 7 बहू है। 62 साल की उम्र है दादा, बहू कितनी है? 55। तभी तो कहूं ये दांत क्यों टूट गए। मुझे तो ऐसा लगे दादा एक भी पूरी तरह ना रही हो, नहीं तो तेरा जो शरीर का झुरकट बैठा पड़ा है ना, इससे दिख रहा है कि आपसे काम कितना लिया गया है। है कोई रंडवा यहाँ पे हमारे दादाजी? अच्छा अंकल जी, रंडवे भी 2 प्रकार के होते हैं, गौर तो सुनियो। एक तो रंडवा वो होता है कि जिसकी शादी हो जाती है, भाई शादी होने के बाद या तो बिचारी भगवान की प्यारी हो जाए या छोड़ के चली जाए, वो होता है रंडवा। और एक रंडवा होता है कि जिसकी पूरी जिंदगी निकल गई हो, बेचारे ने बहू के दर्शन ही ना करे हो,
दादाजी उसको कहते हैं बटन ट्रंडवा। अब न्यू बताओ यहाँ पे बटन ट्रंडवे कितने हैं? ये बटन ट्रंडवे दादाजी ब्याह करवा दूं? ब्याह करवा दूं? नुगे हाँ, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, मुंह में जीभ भी ऐसी लग रही है जैसे रजाई में बालक खेल रहा हूं। जब भी नुगे ब्याह करवा दो। अब ने बताओ इसको डाटवी का ब्याह अगर मैं करवाने की सोच भी लूं तो कोई बुढ़िया तो मिलने से कहीं मेल की, दादाजी कोई जवान लड़की मेरे जैसी लड़की से ही ब्याह करवाना पड़ेगा। और ये कहते हैं कि जवान लड़की बुढ़े आदमी के लिए जहर की प्याली होती है, जहर की प्याली की घूंट भरेगा जल्दी मरेगा, इसीलिए बिना भी आगे ही ठीक हो। कम से कम जीभ तो फिर रही है होठों पे, फिर तो जीभ बिना फिरेगी होठ सूख जाएंगे। क्या बताए सुनिए। चंचल गोरी दुख देता, चंचल गोरी दुख देता, हर माँ पापा के घने लाड़ ले छोरा छोरी दुख देता, घर की आल पड़ोसी ले ले भीत में मोरी दुख देता, भीत में मोरी दुख देता, एक नाज की चोरी हो दे जा घर खाली हो भंडारी करके हमारे आदरणीय विष्णु डीलर जी, वो भी 101 रुपए से मान सम्मान करते हैं और 101 रुपए से। और अंकल जी चाहूंगा दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। और अगली बात मैं क्या बता दे भला, पुराने चावल हैं पर इसमें क्या है, इसमें तो ना तो बुढ़ापा ना जवानी, और तो और मुश्किल से खून भी ना है इसमें, तो शरीर भी ऐसा हो रहा है जैसे पोलियो का मारा ओढ़। कहा दादाजी आप डोली मत मारो, कूदो मत ज्यादा, हमें तो आदत है, कहीं ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद नुके और मार की दीपो मार की मार की। हाँ कभी मुझे कोसो। क्या बताया हर बहन के धन ने भाई खा ले पर बेईमान ना दुख दे जा, चोर कलंकी वेश्या के घर आना जाना दुख दे जा, आना जाना दुख दे जा, हर दुश्मन के लिया मेल मिला के पीना खाना दुख दे जा। बीरम पाल के है, लाइन अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। बीरम पाल के है बीरा का हंस के सरमाना दुख दे जा, एक बेसुर गाना हो बेसुर गाना दुख दे जा।